भारत जोड़ो यात्रा में पहली बार शामिल हुई प्रियंका गांधी, फूल बिछाकर किया गया कांग्रेस महासचिव का स्वागत। पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा भी यात्रा में हुए शामिल। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन आज, राहुल गांधी के नेतृत्व में बोरगांव से शुरू हुई यात्रा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट समेत कई लोग हुए शामिल। अरुण गोयल की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर उठाए सवाल, कोर्ट ने कहा उनकी फाइल को जल्दबाजी में किया गया अप्रूव। 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे अरुण। जामा मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर लगा बैन, दिल्ली महिला आयोग ने लिया मामले का संज्ञान, मस्जिद इमाम को भेजा नोटिस। नवाब मलिक को अभी और करना होगा इंतजार, एनसीपी नेता की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट 30 नवंबर को सुनाएगी फैसला। गुजरात चुनाव के लिए पीएम ने संभाली कमान, आज पालनपुर मोडासा दहेगाम बावला में जनसभाएं करेंगे पीएम मोदी। श्रद्धा केस को लेकर डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष का बयान, नाराजगी जताते हुए बोली स्वाति मालीवाल, जब तक इस देश के सिस्टम खोखले रहेंगे लड़कियां ऐसे ही मरती रहेंगी। उत्तराखंड सरकार का मदरसों के लिए नया फरमान, मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड, स्कूलों की तरह 8 से 2 बजे तक होगा संचालन। मेघालय में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता, जानमाल के नुकसान की नहीं मिली जानकारी। जहरीली हवा से सावधान, दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ेगा प्रदूषण, हवा की रफ्तार में कमी के साथ बिगड़ेंगे हालात। आसिम मुनीर होंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ, जनरल कमर जावेद बाजवा की पसंद है आसिम मुनीर, पीएम शहबाज शरीफ के पास पहुंची लिस्ट में मुनीर का नाम था सबसे ऊपर। अनवर इब्राहिम होंगे मलेशिया के नए प्रधानमंत्री, मलेशिया के सम्राट ने किया मनोनीत, आज लेंगे शपथ। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का भारत पर आरोप, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार खतरे में, अमेरिकी आयोग ने सीएए को लेकर लगाया ये आरोप। जर्मनी के संग्रहालय से प्राचीन सोने के सिक्के हुए चोरी, $2.3 मिलियन थी कीमत, ये सिक्के ईसा के जन्म से करीब 100 साल पहले के थे। खसरे की जद में आ सकते हैं दुनिया के 4 करोड़ बच्चे, WHO ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा, खसरे से 95% से ज्यादा मौतें विकासशील देशों में होती हैं। नमक चाय पत्ती के बाद अब पानी भी बेचेगा टाटा ग्रुप, पानी बेचने वाली दिग्गज कंपनी बिस्लेरी को जल्द खरीदेगा टाटा। मंदी के डर से दुनिया में नौकरियों पर संकट, ट्विटर अमेजन के बाद गूगल भी कर सकती है लोगों की छटनी। बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया में हुआ बदलाव, रविंद्र जडेजा और यश दयाल इंजर्ड होने के चलते इस दौरे से हुए बाहर, कुलदीप सेन और शाहबाज को मिला मौका। गलवान को लेकर ट्वीट कर फंस गई बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को मांगनी पड़ी माफी, आर्मी का मजाक उड़ाने पर लोगों ने लगाई क्लास। एक्टर विक्रम गोखले की हालत नाजुक, बेटी ने निधन की अफवाह को बताया झूठ, बोली सलामती के लिए करें दुआ।